हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज है अश्विनी, अभी सुबह के बज रहे 8 और मैं जा रही हूँ मंदिर। आप देखिए बिल्कुल रोड खाली है और लोग भी सो रहे हैं। तो मैं मंदिर पहुंच गई हूं और जल्दी से पूजा कर लेती हूं, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूं। सुबह मंदिर जाने का ये फ़ायदा होता है कि मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं होती है और पूजा भी जल्दी हो जाता है, वरना लाइन लगाना पड़ता है। वैसे भी इस मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। फिर मैंने फटाफट शंकर भगवान को जल चढ़ाया, माता रानी का पूजा किया। मुझे थोड़ी जल्दी भी थी क्योंकि लड्डू सो रहे थे और लड्डू के पापा को ऑफिस भी जाना था। लड्डू जब सोकर उठेंगे तो मुझे ही ढूंढेंगे, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रही थी। मैं सोच रही थी उनको मंदिर लेके आऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा मेरा 10 मिनट का काम 20 मिनट लगेगा, इसलिए मैं लेके नहीं आई। मंदिर से घर आई तो मैंने देखा अभी दोनों लोग सो रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं जल्दी से पहले चाय वाय पी लेती हूँ और अपने लिए कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ। तो मैंने अपने लिए चाय बनाया और मखाने फ्राई किए और एक साथ बहुत सारे कर लिए कि बाद में उसका खीर बना लूँगी मैं। यहाँ पर मैंने घी नहीं डाला है, बाद में डालूँगी खीर बनाते टाइम, ऐसे ही ड्राई रोस्ट किया था। उसके बाद मैंने फटाफट अपने लिए चाय मखाना बनाया, लड्डू के लिए दूध गर्म किया, फिर सोचा लाओ आलू भी फ्राई कर लेती हूँ वरना बाद में खाना बनाऊँगी तो सब जूठा हो जाएगा, इसलिए मैंने आलू भी फ्राई करके तभी रख दिया। उसके बाद फिर मैंने लड्डू के पापा के लिए ब्रेकफास्ट बनाया क्योंकि आज उनको ऑफिस जाना था, थोड़ा लेट जाएंगे, थोड़ा सा काम था लेकिन जाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा चलो बना के उनका खाना भी अभी रख देती हूँ। तो अभी बच चुके हैं 5:45 और मुझे मार्केट जाना है करने, लेकिन लड्डू अभी सो रहे हैं, सोकर उठेंगे तभी मैं जाऊंगी। उससे पहले मैं अपना थोड़ा चाय वाय पी लेती हूँ क्योंकि आज मेरा फास्ट है। वैसे मैं शाम को चाय नहीं पीती हूँ लेकिन आज थोड़ा सा मन कर रहा पीने का, मैंने सोचा चलो थोड़ा सा पी लेती हूँ। तो मेरा चाय बन रहा है, चाय मैंने चढ़ा दिया है, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। देख, चाय पीने के बाद मैं मार्केट आ गई थी हवन सामग्री लेने, क्योंकि मुझे अभी हवन नहीं करना है तो मैंने सोचा मंदिर पे ही दे देती हूँ, वहाँ पे हवन हो रहा है तो वहीं पे हो जाएगा। तो मैंने मार्केट से हवन सामग्री ले लिया, उसके बाद मैं चली गई मंदिर पे हवन सामग्री देने। आओ जल्दी, आ जाओ इधर, हूँ इधर, दौड़ के आओ। मैं मंदिर पे पहुंची, तब तक हवन हो चुका था, लेकिन जो लोग थोड़ा सा लेट लेकर आ रहे थे अपना हवन सामग्री, पंडित जी उनका भी बाद में कर रहे थे, उन्होंने बोला कि ऐसे रात तक चलता रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, दे दो मैं कर देता हूं। तो यहां पे पंडित जी ने मेरे हवन सामग्री का हवन किया। उसके बाद फिर लड्डू को बुलाया कि आप भी आओ थोड़ा सा डाल दो। यहाँ पर लड्डू बहुत ज़्यादा डर रहे थे, लेकिन डरते डरते थोड़ा सा पंडित जी ने लड्डू से भी हवन कराया। आ चलो चलो चलो। मंदिर से निकलकर हम लोग चले गए मार्केट क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा कुछ सामान लेना था, तो मैंने सोचा अगर घर जाकर वापस आऊँगी तो बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए अभी निकल जाती हूँ। उसके बाद यहाँ से मैंने कुछ खाने पीने की चीज़ें पैक करवाई और उसको लेकर हम लोग निकल गए जहाँ पे हमें जाना था। तो कुछ ऐसा गया मेरा अष्टमी का दिन, आपकी नवरात्रि कैसी गई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी वीडियोस मिलती रहें, क्योंकि आगे ना बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली हैं, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो आने वाली हैं। तो बिना देर किए हुए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम लोग घर आ गए, घर पे आके मैंने अपने लिए कुछ बनाया खाने के लिए क्योंकि मेरा फास्ट था। उसके बाद किया मैंने डिनर की तैयारी फटाफट क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो कैसा लगा ये मेरा छोटू सा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा।